हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अमित और गाइस आज की इस वीडियो में आप सब लोगों को फ्री फायर के जितने भी पेट्स हैं उन सभी पेट्स की एबिलिटी बताने वाला हूं। केवल इन सभी पेट की एबिलिटी बताऊंगा ही नहीं बल्कि अच्छे से एक्सप्लेन करके भी दिखाऊंगा कि किसकी एबिलिटी कैसे काम करता है, ताकि आपको डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो कि हमें कौन सी पेट की एबिलिटी यूज करना चाहिए। तो गाइस आज का ये जो वीडियो है गाइस आपके लिए यूजफुल होने वाला है, तो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर से देखना एंड गाइस पसंद आए तो गाइस वीडियो में एक लाइक कर देना। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले है पांडा पेट। पांडा पेट की एबिलिटी है कि गाइस कि किसी भी एनिमी को जैसे ही आप किल करोगे वैसे ही आपको 10 एचपी रिस्टोर कर देगा। फॉर एग्जांपल के लिए गाइस यहाँ पर आप सभी लोग देखो, अभी हमारे पास 171 एचपी का हेल्थ है एंड जब मैं एनिमी को डाउन करता हूँ तो हमारा हेल्थ नहीं बढ़ता है, लेकिन जैसे ही मैं एनिमी को किल करता हूँ वैसे ही हमारा हेल्थ बढ़कर 181 हो जाता है, यानी कि 10 एचपी रिस्टोर करके दिया पांडा पेट। तो गाइस इस प्रकार से काम करता है पांडा पेट की एबिलिटी। एंड गाइस के बाद है अर्बन पेट। अर्बन पेट की एबिलिटी है कि गाइस ये 50 मीटर का एक रेडियस बनाता है, उस रेडियस के अंदर जितने भी एनिमी होगा उन सभी एनिमी को गिनकर बताएगा कि उस जगह पर कितने एनिमी है। और आप इस पेट की एबिलिटी गेम में केवल 3 बार ही यूज कर सकते हो। और इस पेट की एबिलिटी कैसे काम करता है तो गाइस यहाँ पर आप सब लोग देखो, जब गाइस गेम स्टार्ट होता है तो गाइस आपके सामने कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। यही है अर्बन पेट की एबिलिटी जो कि गाइस केवल 3 बार ही यूज कर सकते हो। इस पेट की एबिलिटी कैसे यूज करता है तो गाइस ये देखो, जब आप इस पर क्लिक करोगे गाइस एंड उसके बाद आपको फायर बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप फायर बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने पूरा मैप खुल जाएगा एंड इस पूरे मैप में आपको किसी एक जगह पर सेलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट करने के बाद आपको यस पर क्लिक करना है और उस जगह पर गाइस जितने भी एनिमी होगा उन सभी एनिमी को काउंट करके बताएगा कि उस जगह पर कितने एनिमी है। तो इस प्रकार से काम करता है अर्बन पेट की एबिलिटी। एंड गाइस के बाद है फेंक पेट। इस पेट की एबिलिटी है कि गाइस कि आपके टीममेट में से कोई भी फ्रेंड आपका डाउन हो जाता है तो गाइस उसके बदले आपको 30 ईपी या फिर 15 एचपी देता है। फॉर एग्जांपल के लिए गाइस यहां पर आप सब लोग देखो, अभी हमारा जो हेल्थ गाइस फुल है, यानी कि हमारे पास टोटल 200 का हेल्थ है एंड जैसे ही हमारा एक फ्रेंड डाउन होता है तो गाइस यहां पर आप सब लोग देख सकते हो हमें 30 ईपी मिल गया है जैसे ही हमारा फ्रेंड डाउन हुआ। तो गाइस अब यहां पर आप सब लोग देख सकते हो कि हमारे पास केवल 100 एचपी है एंड जैसे ही गाइस हमारा एक फ्रेंड डाउन होता है गाइस वैसे ही हमें 15 एचपी मिल जाता है। तो गाइस इस प्रकार से काम करता है फेंक पेट की एबिलिटी। एंड गाइस के बाद है हुड पेट। हुड पेट की एबिलिटी है कि गाइस कि कोई भी आइटम जो कि गाइस एनिमी को स्कैन करता है या फिर कोई भी कैरेक्टर स्किल जो कि गाइस एनिमी को स्कैन करता है तो गाइस वो जितने एरिया में एनिमी को स्कैन करता है उस एरिया को 10 मीटर तक बढ़ा देता है और उसके ड्यूरेशन टाइम भी 2.5 सेकंड के लिए बढ़ा देता है। फॉर एग्जांपल के लिए गाइस यहां पर आप सब लोग देखो, तो गाइस यहां पर मैंने क्लू क्रिएटर की एबिलिटी को यूज किया है क्योंकि गाइस क्लू क्रिएटर एनिमी के लोकेशन दिखाने का काम करता है। और गाइस यहां पर आप सब लोग देख सकते हो एक तरफ नॉर्मल क्लू क्रिएटर की एबिलिटी यूज किया है एंड दूसरी तरफ गाइस क्लू के साथ हुड पेट की एबिलिटी यूज किया है और दोनों में गाइस आप डिफरेंट देख सकते हो। गाइस जिस तरफ क्लू क्रिएटर है गाइस उस तरफ उतना ज्यादा एरिया नहीं बनता है, लेकिन जिस तरफ हुड पेट है गाइस उस तरफ गाइस ज्यादा एरिया बनाता है एनिमी का लोकेशन दिखाने का। तो गाइस इस प्रकार काम करता है हुड पेट की एबिलिटी। एंड गाइस के बाद है फिन पेट। फिन पेट की एबिलिटी है कि गाइस के किसी भी एनिमी को जैसे ही आप डाउन करोगे वैसे ही आपका मूवमेंट स्पीड 4% तक बढ़ जाएगा और आपके 20 मीटर के अंदर जो कोई भी फ्रेंड होगा उस फ्रेंड को भी 4% तक मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के गाइस यहाँ पर आप सब लोग देखो, जैसे ही मैंने एनिमी को डाउन किया गाइस वैसे ही मेरा स्पीड 4% तक बढ़ गया, ज्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिला है। तो गाइस ज्यादा जानकारी के लिए गाइस आप इस वीडियो को देख सकते हो, इस वीडियो में मैंने मूवमेंट स्पीड के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में बताया है, तो गाइस इस वीडियो को जरूर से देख लेना। एंड गाइस के बाद है फ्लैश पेट। फ्लैश पेट की एबिलिटी है कि गाइस की कोई भी एनिमी आपको पीछे से डैमेज देगा तो गाइस आपको 25% तक कम डैमेज पड़ेगा और इसकी ड्यूरेबिलिटी 0.150 तक है। जैसा कि गाइस यहां पर आप सब लोग देख सकते हो कि पीछे से एनिमी डैमेज दे रहा है तो गाइस पीछे से प्रोटेक्ट कर रहा है फ्लैश पेट जो कि गाइस हमें 25% तक कम डैमेज पड़ता है। तो इस प्रकार से काम करता है फ्लैश पेट की एबिलिटी। एंड गाइस के बाद है एटी पेट। एटी पेट की एबिलिटी है कि गाइस के एक्सप्लोसिव वेपन से गाइस आपको 30% डैमेज से बचाएगा। एक्सप्लोसिव वेपन मतलब कि गाइस ग्रेनेड लॉन्चर लैंडमाइन और भी इसी प्रकार के गाइस जो कि गाइस फटता है उससे गाइस आपको 30% डैमेज से बचाएगा। फॉर एग्जांपल ये गाइस यहां पर आप सब लोग देख सकते हो, एक तरफ मैंने गाइस 2 लेवल का बेस्ट पहना है एंड दूसरी तरफ मैंने कोई भी लेवल का बेस्ट नहीं पहना है एंड गाइस इस तरफ मैंने एटी पेट की एबिलिटी यूज किया है एंड इस तरफ मैंने गाइस कोई भी पेट की एबिलिटी यूज नहीं किया है और दोनों में गाइस आप डिफरेंस देख सकते हो जब ग्रेनेड फटा है। तो गाइस तो इस प्रकार से काम करता है एटी पेट की एबिलिटी। एंड गाइस के बाद है ड्रेकी पेट। ड्रेकी पेट की एबिलिटी है कि गाइस कि आपके आसपास 30 मीटर के अंदर जो कोई भी एनिमी मेडकिट लगाएगा उन सभी एनिमी का लोकेशन आपको दिखाएगा। फॉर एग्जांपल के गाइस यहां पर आप लोग देखो, जब मैं एनिमी को डैमेज देता हूं बहुत ही ज्यादा डैमेज दे दिया तो गाइस वो एनिमी क्या करेगा, कहीं पर जाकर मेडकिट लगाएगा। तो गाइस वो जहां पर भी जाकर मेडकिट लगाएगा गाइस उसका लोकेशन हमें दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल के गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो, जैसे उसने मेडकिट लगाना शुरू किया उसका लोकेशन हमें दिख गया एंड उसको जाकर मैंने आसानी से किल कर दिया। तो गाइस इस प्रकार से काम करता है ड्रेकी पेट की एबिलिटी। एंड गाइस के बाद है बिस्टन पेट। बिस्टन पेट की एबिलिटी है कि गाइस कि आपके ग्लोबल और ग्रेनेड को 30% ज्यादा दूरी तक फेंकने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल के गाइस यहां पर आप लोग देखो, हमसे गाइस पेड़ कितना दूरी पर है एंड उसके बाद भी गाइस मैं ग्लोबल को बहुत ही आसानी से वहां पर लगा देता हूं एंड गाइस उसके बाद जब मैं ग्रेनेड को फेंकता हूं तो गाइस ग्रेनेड को तो ग्लोबल से ज्यादा दूरी तक फेंक देता हूं। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो कि मैं कितना दूरी पर जाकर ग्रेनेड को फेंका। तो गाइस इस प्रकार काम करता है बिस्टन पेट की एबिलिटी की गाइस आपके ग्लोबल और ग्रेनेड को ज्यादा दूरी तक फेंकने में मदद करता है।
एंड गाइस के बाद है रॉकी पेट। रॉकी पेट की एबिलिटी है कि गाइस की कोई भी एक्टिव कैरेक्टर के साथ इस पेट की एबिलिटी यूज करते हैं तो गाइस उससे एक्टिव कैरेक्टर का कूल डाउन टाइम जो होता है गाइस उस कूल डाउन टाइम को 15% कम कर देता है। फॉर एग्जांपल के गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहां पर आलो कैरेक्टर की एबिलिटी यूज किया है जो कि गाइस एक एक्टिव कैरेक्टर है। जब मैं इस कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करता हूं तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो कि ये थ्री लाइन जो है गाइस रॉकी पेट की एबिलिटी है। ये रॉकी पेट क्या कर रहा है गाइस आलो कैरेक्टर की एबिलिटी को बहुत ही तेजी में चार्ज कर रहा है, यानी कि 15% स्पीड से चार्ज कर रहा है। इसी प्रकार जितने भी एक्टिव कैरेक्टर है उन सभी एक्टिव कैरेक्टर को 15% जल्दी चार्ज कर देता है, जो कि गाइस वाकई में यह पेट जो है गाइस बहुत ही बेस्ट पेट है। एंड गाइस के बाद है मिस्टर बेगर पेट। इस पेट की एबिलिटी है कि गाइस आपको 200 सेकंड में आपको 2 ग्लोबाल देगा, आपको 100 सेकंड में 1 ग्लोबाल देगा और एक और 100 सेकंड पूरेगा तो एक और ग्लोबाल देगा। इस प्रकार आपको 2 ग्लोबाल देगा, जैसा कि गाइस यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हो। यहाँ पर मैं अभी पैराशूट से नीचे उतरा हूँ, यानी यहाँ पर गाइस मेरे पास ना तो किसी प्रकार का गन है ना ही मेरे पास किसी प्रकार का लूट है। एंड जैसे ही गाइस यहाँ पर मैं रहकर 100 सेकंड पूरा कर लेता हूँ तो गाइस हमें 1 ग्लोबाल मिल जाता है। एंड गाइस इसी प्रकार मैं 100 सेकंड और पूरा कर लेता हूँ तो गाइस हमें 2 ग्लोबाल मिल जाता है। तो गाइस इस प्रकार काम करता है मिस्टर बेगर का एबिलिटी। एंड गाइस के बाद है ओटेरो पेट। ओटेरो पेट की एबिलिटी है कि गाइस की जब जब आप मेडकिट लगाओगे गाइस आपको हर मेडकिट पर 65% ईपी देगा। फॉर एग्जाम्पल के गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जब मैं यहाँ पर एक मेडकिट लगाता हूँ तो गाइस मेडकिट लगाने के बाद हमें एचपी तो मिल ही रहा है, साथ में उसके साथ साथ ईपी भी मिल रहा है, जो कि गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो इस प्रकार काम करता है ओटेरो पेट की एबिलिटी। एंड इसके बाद है स्पिरिट फॉक्स। इस पेट की एबिलिटी है कि गाइस की जब भी आप मेडकिट लगाओगे गाइस आपको हर मेडकिट पर आपको 10 HP एक्स्ट्रा देगा। फॉर एग्जाम्पल के गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी हमारे पास केवल 100 HP है। एंड गाइस यहाँ पर जब मैं एक मेडकिट लगाता हूँ तो गाइस नॉर्मल एक मेडकिट पर 75 HP देता है, बट गाइस यहाँ पर मैंने स्पिरिट फॉक्स की एबिलिटी लगाया हुआ था इसलिए गाइस हमें 85 HP मिला है, यानी कि टोटल हमें मिलकर हो गया गाइस 185 HP, जो कि गाइस 10 HP एक्स्ट्रा दिया है। तो गाइस इस प्रकार काम करता है स्पिरिट फॉक्स की एबिलिटी। एंड गाइस के बाद है शिवा पेट। शिवा पेट की एबिलिटी है कि गाइस जब आप बैटल रॉयल गेम खेलोगे तो गाइस आपको बैटल रॉयल गेम में कहाँ कहाँ पर मशरूम है गाइस मशरूम का लोकेशन आपको दिखाएगा। फॉर एग्जांपल के गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि गाइस की यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि गाइस यहाँ पर मशरूम कहाँ पर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैप में मैं क्लियर दिख रहा है। एंड गाइस धीरे धीरे करके मैं उसके पास जाता हूँ तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सामने हमें दिख रहा है कि मशरूम कहाँ पर है। एंड गाइस वहाँ पर जाकर मैं गाइस मशरूम को बहुत ही आसानी से खा लेता हूँ। तो गाइस इस प्रकार काम करता है शिवा पेट की एबिलिटी। एंड गाइस के बाद जो बाकी के पेट की एबिलिटी बच गया है वो सभी पेट की एबिलिटी मैं पार्ट 2 में कंप्लीट कर दूंगा, और पार्ट 2 का वीडियो तभी आएगा जब आप इस वीडियो पर 100 कमेंट पूरा कर देते हो पार्ट 2 के लिए, तभी गाइस इसका पार्ट 2 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो गाइस जल्दी से आप पार्ट 2 कमेंट करो ताकि गाइस इसका पार्ट 2 जल्दी मैं ला सकूं। एंड गाइस ये वीडियो आपको पसंद आता है तो गाइस वीडियो में एक लाइक कर दिया करो, क्योंकि गाइस वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। एंड गाइस अगर आपको जानना है कि मूवमेंट स्पीड और स्प्रिंटिंग स्पीड में क्या है डिफरेंट और दोनों का क्या है मतलब, तो गाइस इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया है, तो गाइस इस वीडियो को जरूर से देख लेना, बहुत ही अच्छा वीडियो बना है। एंड गाइस इससे आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा इन दोनों में क्या अंतर है और दोनों क्या है। तो गाइस इस वीडियो को जरूर से देख लेना। तो गाइस यहाँ तक के देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।